यूपी के हरदोई में कई चौराहों पर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने पहुंचकर लॉकडाउन का जायजा लिया। इस दौरान बाहर निकलने वाले लोगों से पूछताछ भी की गई। साथ ही जिलाधिकारी ने लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील भी की। यूपी के महोबा में नोडल अधिकारी और पुलिस महानिरीक्षक धर्मवीर दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर कानून व्यवस्था की जानकारी लेकर शहर कोतवाली का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बिहार के मधुबनी में देवधा थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने एक घर में छापेमारी कर शराब कारोबारी के साथ साथ दो तस्करों को भी किया गिरफ्तार। शराब कारोबारी के घर में रखे 40 बोरियों में 1200 नेपाली शराब की बोतलें की गई बरामद। यूपी के बांदा में एक बार फिर चोरी के इरादे से घर में घुसे चोरों ने वृद्ध महिला की धारदार हथियार से की हत्या। इन चोरों ने गांव के दो घरों में जमकर लूटपाट की, लेकिन जब घर में लोगों की आहट सुनी तो ये चोर पास के ही घर में जाकर चोरी करने लगे और घटना को अंजाम देते वक्त जब सो रही वृद्ध महिला ने जगकर इन बदमाशों का विरोध किया तो उन्होंने बूढ़ी महिला को मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। उन्होंने राहुल गांधी को बताया राजनीति का बालक। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीन ने कांग्रेस के राज में भारत की जमीनों पर किया कब्जा और राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की भी दी सलाह। यूपी के सीतापुर में तहसील लहरपुर के विकास खंड बेहटा में शारदा नदी के किनारे बसे रमुआपुर, इटौरा, जनकपुर, हरिहरपुर, बेलवा समेत आधा दर्जन गांव में बाढ़ का पानी भर जाने से किसानों की तैयार फसलें मक्का, तिल्ली और कई प्रकार की सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई, जिसके चलते परेशान किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में कोई भी अधिकारी अभी बोलने को नहीं है तैयार। पंजाब के मोगा में डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने लोगों से अपील की कि वो कोविड-19 के फैलाव को रोकने में प्रशासन की करें मदद और खुद भी बने पहरेदार। पंजाब सरकार की तरफ से शुरू किए मिशन फतेह के तहत लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। पंजाब में अमृतसर के मोहकमपुरा में एक मामूली झगड़े के कारण एक युवक का कत्ल कर दिया गया। बता दें, लूडो खेलने के बाद हुए झगड़े के बाद बॉबी नामक युवक का कत्ल कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के सुमेरपुर में युवा कांग्रेस ने युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा, युवा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पलक वर्मा और युवा कांग्रेस पाली जिलाध्यक्ष मनीष पालरिया के निर्देश अनुसार युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष ललित परिहार के नेतृत्व में युवा कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं ने राजगुरु सर्कल पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला जलाकर उपखंड मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम ज्ञापन देकर जल शक्ति मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। यूपी में बहराइच के महसी में नदी के कटान से परेशान बाढ़ पीड़ितों की वास्तविक स्थिति देखने विधायक सुरेश्वर सिंह और सांसद अक्षयबर लाल गौड़ पहुंचे, जिन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। पंजाब के अमृतसर में अकाली दल की महिला प्रधान राजविंदर कौर और उनके पति राजेंद्र सिंह बाठ पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोप है कि अकाली दल की ही महिला ने राजविंदर कौर पर आरोप लगाया था कि उसने वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, जिसमें उनके पति राजेंद्र सिंह बाठ ने भी उनका साथ दिया। राजस्थान में कोटा के चेचट थाना क्षेत्र के भोलू गांव में दो युवकों के बीच झगड़ा होने पर बीच बचाव करने आए एक युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए MBS अस्पताल में कराया भर्ती। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। राजस्थान में कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में डकनिया स्टेशन के पास एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों के आने के बाद MBS अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाया और आगे की जांच शुरू की।
हरियाणा के फरीदाबाद में एक घर में हुए विवाद के चलते एक व्यक्ति ने शहर के बाटा चौक फ्लाईओवर से लटक कर आत्महत्या कर ली। फिलहाल छानबीन में पुलिस ने मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट किया बरामद, जिसके मुताबिक वो अपने भाइयों से प्रॉपर्टी को लेकर हो रहे झगड़े से नाराज था और इसी के चलते उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हरियाणा के अंबाला में शरीफगढ़ का बदमाश कैंडी बाबा इन दिनों पुलिस की गिरफ्त में है। लोगों को सस्ता सोना दिलवाने के झांसे में फंसाकर लाखों ठगने वाले कैंडी बाबा के कारनामों से अंबाला पुलिस ने पर्दा उठा दिया है, जिसके बाद पुलिस कैंडी बाबा को प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी। वहीं पुलिस अब नेपाल बॉर्डर पर रहने वाले कैंडी बाबा के साथी तक भी पहुंच चुकी है।